नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉमर्स ज्ञान में। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 28, और मेरे ख्याल से ये लास्ट लेक्चर होगा आपके एमपीओ टॉपिक का। काफ़ी छोटा टॉपिक है तो उसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको सीखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साथ ही साथ ये आपके लिए भी बहुत ईजी टॉपिक रहेगा। और साथ ही साथ ये आपका 10 मार्क्स कवर करता है। थोड़े बहुत आप इसमें थ्योरी भी पढ़ जाना, ताकि अगर 2-3 मार्क्स का अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आए है ना, तो वो भी आपका कवर हो जाए। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक, आय व्यय खाते तथा प्राप्ति व भुगतान खाते में अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि आप इसमें से 3 बातें सीख सकते हो। पहला जो अंतर तो आप सीख ही रहे हो, साथ ही साथ अगर आपको कभी विशेषताएँ भी पूछी जाए तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप एक और चीज़ सीख सकते हो, और वो है इनका अर्थ, ठीक है। तो अगर आपसे कभी अर्थ भी पूछा जाए तो भी वो आप लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आय व्यय और प्राप्ति भुगतान खाते में जो अंतर होता है वो क्या है। सबसे पहले प्रकृति, तो ये लाभ हानि खाते के समान होता है, साथ ही साथ ये जो प्राप्ति और भुगतान खाता है वो रोकड़ खाते के समान होता है। महत्व की प्रकृति, तो आय व्यय में केवल आगम प्रकृति के आते हैं, यानी कि जो रेवेन्यू प्रकृति के होते हैं वो आते हैं, लेकिन इसमें आगम और पूंजीगत दोनों आते हैं, ठीक है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवधि, केवल चालू अवधि के जो यानी कि जो करंट अवधि है केवल उसी के प्रॉफिट और सॉरी इनकम और एक्सपेंडिचर आते हैं, जबकि इसमें कभी के भी किसी भी साल का वो एक्सपेंडिचर हो या इनकम हो, अगर हमने इस साल रिसीव किया है या इस साल पेमेंट किया है तो वो आ जाएगा। नाम पक्ष में वे आते हैं तथा जमा पक्ष में आय आते ही है। इसी तरीके से नाम पक्ष यानी कि डेबिट साइड में हम प्राप्तियों को लेते हैं और इधर भुगतानों को लेते हैं। इसमें मूल्यह्रास जो आता है, आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में मूल्यह्रास आता है, तो इसमें भी मूल्यह्रास आता है, क्योंकि मूल्यह्रास जो कि कैश एक्सपेंडिचर नहीं है इसीलिए ये नहीं आता है। उसके बाद इसमें आरंभिक शेष नहीं होता, जो आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में आरंभिक शेष कहाँ होता है, वहीं जो कैश अकाउंट होता है उसमें आरंभिक शेष होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आरंभिक शेष होता है। जब अंतिम शेष जो है यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट को दिखाता है, ठीक है, और हम उसे क्या होता है कि आगे ले जाते हैं कहाँ, बैलेंस शीट में, ठीक है, जबकि यहाँ रोकड़ अथवा बैंक शेष होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है डिफरेंसेस है दोनों में, अंतर है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज़ इन्हें याद कर लेना, बहुत इजी है। आपको केवल इनकी अगर देखिए, आपको बस ये दिमाग में रखना है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एज ए कैश अकाउंट है। अब कैश अकाउंट में क्या होता है, क्या इसमें ओपनिंग बैलेंस होता है, यस। क्या इसके अंदर सभी एक्सपेंडिचर्स आते हैं, हाँ, चाहे वो पिछले साल के हो चाहे अगले साल के हो, हमने अगर उन्हें रिसीव किया है या हमने उन्हें पेमेंट किया है वो आएंगे। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तुलन पत्र, या हम कहें बैलेंस शीट। तो देखिए, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये बैलेंस शीट हमारी सिंपल होती है। अरे ये आया क्यों नहीं, देखता हूँ, आ गया। तो ये जो बैलेंस शीट होती है ये हमारी नॉर्मल जो बैलेंस शीट होती है उसी तरीके से होती है, लेकिन जो अलाभकारी संस्थाएं जो बनाती है इसमें भी सेम उसी तरीके से संपत्ति को दाई ओर दिखाया जाता है, दायित्वों को बाई तरफ लिखा जाता है। यानी कि जैसे ये मान लीजिए बैलेंस शीट है, तो ये जो है इधर आपकी एसेट्स आएगी एंड इधर आपकी लाइबिलिटीज आएगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि पूंजी के स्थान पर यानी कि जो कैपिटल होता है उसके स्थान पर सामान्य निधि यानी कि जनरल फंड है ना, या फिर दिखाया जाता है पूंजी निधि यानी कि कैपिटल फंड दर्शाया जाता है। व्यय पर आय के आधिक्य को पूंजी निधि में जोड़ा जाता है, और जो यानी कि जो सरप्लस आता है उसे हम इसमें जोड़ते हैं, साथ ही साथ जो डेफिसिट आता है उसे हम इसमें से रिड्यूस कर देते हैं। अब इसका हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो इसका फॉर्मेट आपको बहुत इजी लगेगा, जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं सेम उस तरीके से इसका फॉर्मेट रहता है। एक मिनट रुकना पड़ेगा आपको। तो इसका फॉर्मेट थोड़ा ऊपर हो गया, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। ब्रिंग फॉरवर्ड, ये तो हो गया, इसमें रोटेशन का होता है ना ऑप्शन।
रोटेशन नहीं आ रहा है क्या? ड्रो में है कहीं ऑप्शन है? नहीं है। चलिए तो चलिए छोड़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सिंपल, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। आप इसको बस घुमा के पकड़ लीजिए, ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हालांकि ये सिंपल ही है, इधर ये कैपिटल फंड आ गया और इस तरीके से जो लाइबिलिटीज हमारी आती है वो आ जाती है, और इस तरफ जो हमारा एसेट साइड रहता है वो रहता है। तो यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है आगे चलते हैं। आपने देखा होगा मैं कुछ समायोजन की बात कर रहा था। चलिए पहले हम इसके चरण देख लेते हैं, इसके जो स्टेप्स है वो किस तरीके से हमारे रहेंगे। तो प्रारंभिक तुलन पत्र के अनुसार पूंजी निधि को लीजिए तथा आय व्यय खाते के आधिक्य को इसमें जोड़ देना। मैंने इसमें दिखा नहीं है, डेफिसिट को इसमें आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। सभी संपत्तियों में वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियाँ जोड़िए, और अगर आपने कोई बेची है तो उसे घटाइए तथा मूल्यह्रास को घटाकर दर्शाइए। उसके बाद जो प्राप्ति तथा आय की तुलना प्राप्य चंदा, यानी कि जो आपका प्राप्य है, यानी कि आपका जो रिसीवेबल्स है उसे देखिए। अग्रिम प्राप्त, यानी कि जो आपका एडवांस में रिसीव हो गया वर्ष के दौरान बेची गई संपत्तियाँ या पूंजीगत मदे, तो इन सबको आपको देखना है। उसके बाद अगर हम चले, और मैं जो आपको बता रहा था समायोजन जो आपको करने हैं, और ये समायोजन ही इम्पोर्टेंट होते हैं जब आप ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जो विशेष समायोजन इसका नाम दिया गया है। अब आपको क्या होता है, कई बार रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और आपको प्राप्त आय दी हुई है, और आपको वहाँ से पहुँचना है वर्ष के दौरान की आय, यानी जो आपको ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये आप किस तरीके से करोगे, आप एक बार के लिए इनके भूल जाइए, ठीक है। इनको आपको याद नहीं रखना है, यहाँ पे जो मैंने दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए कि पिछले वर्षों की बकाया, देखिए मान लीजिए आपके पास ये पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है, ये पैसा आपने रिसीव कर लिया। अब इस पैसे में आपने क्या रिसीव किया होगा, इस पैसे में आपने रिसीव किया होगा पिछले वाले वर्षों का बकाया पैसा। हमेशा इसे कॉन्सेप्चुअल समझना और कभी भी इसे रटना मत, ठीक है। तो जो पिछले साल का आपने बकाया रिसीव किया होगा, क्या वो इस साल का है, मतलब क्या वो इस साल का इनकम है? नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे लेस कर देंगे, ठीक है। अब पिछले सालों का अग्रिम, जो आपने पिछले सालों में एडवांस दे दिया, क्या वो इस साल का पैसा है, क्या वो इस साल की इनकम है? हाँ, लेकिन क्या वो इस साल रिसीव होगी? नहीं, यानी कि वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। उसी तरीके से आगामी वर्षों में बकाया, यानी इस साल का बकाया है, तो क्या वो पैसा आपने रिसीव किया? रिसीव नो, ठीक है, लेकिन क्या वो इनकम है इस साल की? तो यस, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेस किया था, यहाँ हमने ऐड किया, यहाँ हमने ऐड किया। आगामी वर्षों का अग्रिम, यानी हमने क्या किया कि इस साल का अग्रिम पैसा हमने दे दिया, ठीक है। तो क्या वो इस साल का रिसिप्ट है? यस। क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि वो जो इनकम है वो तो अगले साल की है ना, और हमने आगामी सालों का जो इनकम है वो हमने रिसीव कर लिया इन एडवांस। अब चलिए मान लीजिए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, अगर आप समझना चाहे तो। मान लीजिए आपके पास इस साल 100 रुपये रिसीव हुए, ठीक है, 100 रुपये आपने रिसीव किए। अब हमारा पहला जो एडजस्टमेंट था वो था पिछले सालों का बकाया। तो मान लीजिए 10 रुपये जो थे आपके पिछले साल के थे, यानी पिछले साल की आपकी इनकम थी, और जो आपके एक कस्टमर थे उन्होंने कहा था कि मैं इस साल आपको नहीं दूंगा, मैं आपको अगले साल दूंगा। अगले साल मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने अप्रैल में कर लिया था, उन्होंने मान लीजिए 31 मार्च को किया था और उन्होंने कहा कि मैं आपको कल दे दूंगा, तो ये नेक्स्ट ईयर हो गया ना, इस तरीके से। तो ये जो बकाया राशि है, क्या ये जब हमें इस साल रिसीव होगी तो ये इसमें इंक्लूड है?
लेकिन क्या आप सोच के देखिए लॉजिकली कि क्या ये इस साल की इनकम है? नहीं, ये तो पिछले साल की इनकम है ना, जो कि हमें इस साल रिसीव हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसे लेस करेंगे 10 रुपये, और 90 रुपये हमारी इस साल की इनकम आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आपको हर बार क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेना है और एग्जाम्पल के थ्रू ये समझना है, तभी ये और ज़्यादा बेहतरीन होगा। नेक्स्ट जो मैंने एडजस्टमेंट लिया है वो है वर्ष के दौरान का व्यय। इस बार मैंने ये व्यय लिया है और भुगतान की गई राशि को कैलकुलेट करना है, ताकि आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाए। पिछले वाला मैंने यहाँ पे क्या करा, प्राप्त था और साथ ही साथ रिसिप्ट वाला था, ठीक है, और नीचे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला कैलकुलेट करना था, इसमें उल्टा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मान लीजिए इस साल 100 रुपये का पैसा एक्सपेंडिचर में दिया, ठीक है, पे नहीं किया है, या आपने एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, अब आपने पे कैसे करना है, तो गत वर्षों का बकाया, तो पिछले सालों का जो बकाया है, क्या वो भी आप इस साल पे करोगे? हाँ, तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद जो गत वर्षों का अग्रिम है, यानी कि गत वर्षों में आपने अग्रिम पे कर दिया था, तो क्या हमें इस बार वो पे करने की ज़रूरत है? नहीं। और साथ ही साथ क्या वो इस साल का एक्सपेंडिचर है? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर तो इस साल का ही है, हमने बस पे पिछले साल कर दिया था, तो हम उसे रिसीव माइनस करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो है पेमेंट हमें कितना करना है, ठीक है, या हमने पेमेंट कितना किया। सेम उसी तरीके से जो आगामी वर्षों के बकाया है, हम उसे रिड्यूस करेंगे। कैसे, कि ये अगले साल बकाया रहने वाले हैं, तो इसलिए, और आगामी वर्षों के अग्रिम, यानी हमने अगले साल का पैसा इसी साल दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास भुगतान की गई राशि आ जाएगी। कितना कर दिया ये भुगतान, ठीक है, तो आप इसे जब प्रैक्टिस करोगे समझ समझ के, आपको ये और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि तलपट पर आधारित आय और व्यय खाता, यानी मैंने आपको जो लास्ट में बताया था कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी, और उन इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर बैलेंस शीट बनाना है, तो इस तरीके से ये है, और अतिरिक्त सूचनाएं भी दी हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच, आज का लेक्चर हमारा बस यहीं तक था। साथ ही साथ आपका एनपीओ वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है और आपके 7 मार्क्स कवर हो जाते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप उसे कंटिन्यू में देखेंगे, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आज आपसे एक बहुत ही रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, एक कि आपको जो भी लग रहा हो, यानी कि आपने अब तक 28 लेक्चर्स लिए हैं, और मेरा जो अब लेक्चर आएंगे वो नवंबर के बाद ही आएंगे, क्योंकि मैं अभी कुछ वर्किंग कर रहा हूँ, तो उन वर्क में मुझे टाइम लगेगा। तो अब जो 20 मार्क्स के लिए लेक्चर्स है, बाकी के टॉपिक्स के, वो मैं नवंबर के बाद ही डालूंगा, साथ ही साथ समराइज भी डालूंगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको उन्हें पढ़ना है, और जहाँ पर भी आपको वो काम आ रहे हैं वहाँ आपको उन्हें देखना है। साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं नवंबर तक मेरे जो है 1000 से अबव सब्सक्राइबर हो जाए, और मैं और ज़्यादा आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर के आ पाऊँ। तो आज के लिए हमारा जो है सेशन बस इतना ही है, आज की हमारी क्लास यहीं तक ख़त्म होती है। होप कि आपने सारे लेक्चर्स एन्जॉय किए होंगे। हाँ, कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स है, मैं वापस से उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करूँगा जब मेरे पास थोड़े से मनी आ जाएगी, क्योंकि अभी मॉनिटरी इश्यू चल रहे हैं मेरे, तो इतना है नहीं मेरे पास। जितने ही मेरे पास आ जाएंगे, उस तरीके से फिर मैं और उन वीडियो को अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। गुड डे, गुड बाय।